नमस्कार भाई और उनकी बहनों, फैक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड सलमान खान की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 का एक टीजर 27 सितंबर को 11 बजे टाइगर का मैसेज टाइटल से रिलीज किया गया है, जहां सलमान खान की पिछली 3-4 फिल्में कब आई और कब चली गई यह पता भी नहीं लगा। वहीं सलमान खान की यह स्पाई यूनिवर्स वाली फिल्म का काफ़ी समय से लोगों में बहुत क्रेज देखने को मिला है, और क्योंकि यह फिल्म वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी यूनिवर्स स्पाई यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है, तो लोगों को इस फिल्म से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी हैं। वहीं टाइगर का मैसेज टाइटल्ड या टीजर उन उम्मीदों पर खरी भी उतरती दिखती है, और इसे देखकर ऐसा सचमुच लगता है कि यह फिल्म सलमान खान के करियर को रिवाइव देने के लिए ही बनाई जा रही है। वहीं इस फिल्म का प्लॉट भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा, जहां किसी कारण से टाइगर यानी अविनाश सिंह को देशद्रोही या गद्दार साबित करने की कोशिश की जाती है, जिसमें किसी नेता और इस फिल्म के एंटागोनिस्ट का हाथ होता है, जिसके कारण टाइगर कॉमन लोगों को रिकॉर्डेड क्लिप के जरिए अपना लास्ट मैसेज देता दिखता है। वहीं इसमें जब टाइगर को देशद्रोही ठहराने के बाद उसे जेल में बंद कर दिया जाता है, तब उसे जेल से छुड़ाने के लिए पठान आता है। इस फिल्म का टीजर सारे एस्पेक्ट्स में मुझे काफ़ी अच्छा लगता दिखा, जिसमें टाइगर फ्रेंचाइज की पिछली फिल्मों के क्लिप्स को भी लोगों से कनेक्ट करने के लिए दिखाया गया है, और इस टीजर का यह स्ट्रेटजी सबसे खतरनाक आइडिया था। यह टीजर काफ़ी मास अपीलिंग और सस्पेंस से भरा हुआ था, जहां लोगों को इस सस्पेंस में छोड़ दिया जाता है कि क्या सच में टाइगर इस मिशन में मरने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यह फिल्म 1000 करोड़ पार कर पाएगी? कमेंट में जरूर बताना, और इन दोनों वीडियोज़ को जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।